डेस्कटॉप देख पा रहे हैं। यह पावर कंपनी का डिजिटल टास्क कंट्रोल टेबल लैंप या डेस्क लैंप है। यहाँ पे एक एलसीडी डिस्प्ले है, इसमें आप टाइम डेट और टेम्परेचर देख पाएंगे। इसमें अलार्म भी है और यहाँ पे एक टच स्विच दिए गए हैं। यहाँ पे जो एलईडी लाइट्स है, इसका लाइट ज़्यादा या कम करने के लिए या ऑफ ऑन करने के लिए ये टच स्विच है। और ये देखिए, आपके ज़रूरत के हिसाब से आप इसे बेंड कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल है, इसके अंदर कोई भी पावर सप्लाई नहीं है। इसको बाहर से यूएसबी एडाप्टर द्वारा 5 वोल्ट सप्लाई देकर चलाया जाता है। इसे मेरे पास आज रिपेयरिंग के लिए लाया गया है। दोस्तों, इसका प्रॉब्लम है, इसमें पावर नहीं आ रहे हैं और डिस्प्ले वगैरह भी कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। आज मेरे वीडियो में इसको कैसे खोलते हैं और कैसे रिपेयरिंग करते हैं उसे दिखाया गया। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दीप मल्टीटेक। आप सभी व्यूअर्स को दीप मल्टीटेक में वेलकम। चलिए दोस्तों, इसका रिपेयरिंग शुरू करते हैं। आप मेरे साथ रहिए और पूरे वीडियो को देखते रहिए। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो जरूर एक लाइक कर देना। रिपेयरिंग करने से पहले मैं एक बार इसमें सप्लाई दे रहा हूँ। इसका कंडीशन आप देख लीजिए। इसका एडाप्टर में मैंने सप्लाई दे दिए हैं। और ये है इसका पावर आउटपुट केबल। मैंने इसे यहाँ पर कनेक्ट कर दिए हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें कोई भी लाइट्स या कोई भी डिस्प्ले नहीं है। दोस्तों, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। अब इसे कैसे खोला जाता है वो भी देख लीजिए। देखिए, नीचे एक रबर पैड लगा हुआ है, उसके नीचे कुछ स्क्रू रहते हैं और बाहर से नजर नहीं आते हैं। दोस्तों, इसका अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसे खोलने का तरीका जानना चाहिए, वरना वो ख़राब हो सकती है। इस रबर पैड को थोड़ा खोल के देखना है कहाँ कहाँ पर स्क्रू है। यहाँ पर देखिए, दोनों साइड में दो स्क्रू लगा हुआ है। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक 3 वोल्ट का लिथियम बैटरी दिया गया है, इसे बैकअप बैटरी बोलते हैं। इसका जब पावर बंद किया जाता है तब इसका अंदर जो घड़ी और कैलेंडर है उसका सेटिंग्स चेंज हो जाता है, मेमोरी नहीं रहते। उसका टाइम और डेट को अपडेट रखने के लिए ये बैकअप बैटरी लगाया जाता है, वरना जितने बार इसका पावर को बंद किया जाएगा उतना बार इसका टाइम और डेट को सेट करना पड़ेगा। दोस्तों, ये है इसका कीबोर्ड, यहाँ से ही इसका टाइम और डेट को सेट किया जाता है। यहाँ से इसको भी खोल लेना है। दोस्तों, ये है इसका मेन पीसीबी और अलार्म के लिए एक वाजर भी दिए गए हैं। और यह है एलसीडी डिस्प्ले। दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने वोल्टेज लेके नहीं दिखाए हैं। आप लोग जरूर इसका जो सॉकेट है इसमें वोल्टेज देख लेना, 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। मेरे यहाँ पे 5 वोल्ट सप्लाई मिसिंग है, इसलिए इसका यूएसबी सॉकेट चेंज करना है, क्योंकि वहीं से सप्लाई नहीं आ रहा है मेन बोर्ड में। इसका कनेक्शन को खोल लेना है ताकि काम करने में आसानी हो। फाइव वोल्ट यूज करने वाला जितने भी सेट है, जैसे कि मोबाइल है, ब्लूटूथ स्पीकर है और भी बहुत सारी चीजों में आप इसी सॉकेट को यूज किए जाते हैं। इसका करंट ठीक तरह से सप्लाई नहीं आता है। इस टाइप का सॉकेट जहाँ पर लगा हुआ है उसे पहले चेंज कर लेना है।
तब पावर की कोई समस्या नहीं रहते। यहाँ पे मैंने एक नया सॉकेट को लगा रहा हूँ, मैंने सॉकेट को चेंज कर लिए हैं। पहले मैं इसे सेट कर लेती हूँ, बाद में आप लोगों को दिखाना है। अब देखिए मैंने इसमें पावर दे दिया है, ये देखिए इसमें सप्लाई आ गया है और डिस्प्ले ऑन हो गए हैं। इसका लुकिंग देखिए बहुत सुंदर है, इसका लाइट्स देखिए वो भी बहुत अच्छे हैं। ये देखिए यहाँ पे टेम्परेचर, टाइम और डेट सब दिखा रहा है। इसका टाइम और डेट को सेट करना है क्योंकि इसका बैकअप बैटरी खोला हुआ था। इसके नीचे देखिए बटन दिया गया है, वही से इसको सेट करना है। दोस्तों इसका टाइम और डेट सेटिंग्स कंप्लीट है। आप सभी व्यूअर्स को दीप मल्टीटेक के तरफ से थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे मेरे चैनल के नेक्स्ट वीडियो में।